Hello everyone, welcome back to my channel. I am Satyam, your MFF guy. तो इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं केवल का तीनों के तीनों यूनिफॉर्म जो है उसका वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड टेस्ट एंड देखेंगे कि सर्वाइवेबिलिटी के हिसाब से एंड डैमेज के हिसाब से कौन सा यूनिफॉर्म बेस्ट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो यूनिफॉर्म मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो है केबल का किड केबल वाला यूनिफॉर्म एंड बिल्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे आप माइटी सिटी पे आप एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ शोकेस एंड लेट सी कितना अच्छा है केबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक कैरेक्टर मर गया जो है साइक्लॉप्स एंड टीम लीडरशिप जो है सभी मैंने सेम रखा हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं किया है। बस मैं देखना चाहता हूँ कि कैरेक्टर एटलीस्ट क्लियर कर भी पाता है या नहीं। एंड स्पॉइलर दे दिया बट चलो देखते हैं। अभी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ओके लास्ट फेज आ गया है मेफिस्टो का। सिटी ऑफ एनर्जी के साथ ये वाला यूनिफॉर्म काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक है, मतलब सिटी ऑफ रेज यूनिफॉर्म के लिए बेस्ट है बट स्टिल देखते हैं। एंड भाई सबसे वो पर्पल वाला अटैक दे दिया एंड मैं बच गया। ठीक है वो वाला अटैक पे मैं बच गया। ठीक है नेक्स्ट वाला अटैक, चलिए ये वाला अभी सर्कल पे बच गया, बस ये वाला पे शायद नहीं बचूंगा। हाँ बूम खत्म। ठीक है तो ये यूनिफॉर्म के साथ हम फेल हो गए एज 49 वापिस क्लियर करने। देन आते हैं हम केबल का जो है समर डेज यूनिफॉर्म। ठीक है जो अब नहीं आएगा, ऑलरेडी कुछ दिन पहले सेल पे था, अब सेल खत्म हो गया तो अब ये नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म। तो समर डेज वाला यूनिफॉर्म के साथ हम चेक करने वाले हैं, लेट सी कैन केबल डू और नॉट क्लियर स्टेज 49 वापिस। यहाँ पे देख सकते हो अगेन सीटीपी सेम है, बिल्ड एकदम सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि कैरेक्टर कर पाता या नहीं। मैं चाहता तो और भी 5-6 ट्राई करता बट भाई एक यूनिफॉर्म लोके तुम 5-6 बार आप ट्राई करोगे फिर वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड क्लियर होगा उतना टाइम नहीं है भाई। एक बार ट्राई करेंगे एंड कैजुअल प्ले करेंगे, अगर क्लियर हो जाता है तो बढ़िया है यूनिफॉर्म, अगर नहीं होता तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि यूनिफॉर्म अच्छा नहीं। एटलीस्ट क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज बोलने वाला है कि ये वाला यूनिफॉर्म जो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं इसका भी बहुत पुराना यूनिफॉर्म है, ऑलमोस्ट 2-3-4 साल पुराना यूनिफॉर्म, तो उस हिसाब से अभी भी रिलेवेंट है लेवलिटी के साथ भाई हम देख रहे हैं। एंड अगेन एक चीज आप देख सकते हो समर डेज यूनिफॉर्म पे भी हम मर गए। ठीक है एंड किड केबल वाला यूनिफॉर्म पे भी मर गए, समर डेज वाला यूनिफॉर्म पे भी हम मर गए, तो ये दोनों टेस्ट हमने ऑलमोस्ट हार गया। अब लास्ट वाला यूनिफॉर्म इससे भी हम टेस्ट करेंगे, लेटेस्ट यूनिफॉर्म जो है इस पे भी ऑलमोस्ट एक ही दिक्कत है, सर्वाइबिलिटी हीलिंग का इशू है। एंड लेट सी इससे हम अगर बिना स्ट्राइकर पे कर सकते हैं या नहीं। अब आप देख सकते हो डैमेज वाइज तो बढ़िया होगा ही, पहले से बहुत अच्छा खासा डैमेज है केबल का। ठीक है बट सर्वाइबिलिटी का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड टीयर 4 अगर कर लेते हो तो बढ़िया है बट डैमेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक जो है सील ब्रेक अभी तक नहीं हुआ एंड ओके सील ब्रेक अभी तक नहीं हुआ भाई, ब्रेक हो जा। ठीक है सील फाइनली ब्रेक हो गया है एंड सेकेंड फेज पे आ गया है। एंड सेकेंड वाला फेज सबसे खतरनाक है, इससे जो वो सर्कल वाला अटैक है उससे हमको बच के खेलना पड़ेगा। लेट्स सी अगर हम वो उससे बच के अगर क्लियर कर पाते या नहीं। ओके टीयर 3 स्किल यूज कर दिया एंड देख सकते हो गाइस डैमेज, बट डैमेज के साथ एक प्रॉब्लम भी आ गया कि हम वहाँ से मूवमेंट मतलब मूव नहीं कर पाए। ठीक है अटैक के अंदर एनिमेशन पे थे तो एच पी देख सकते हो गाइस एकदम मतलब खत्म भाई, एकदम खत्म एच पी एकदम खत्म हो गया एंड हम लॉस्ट वी लॉस्ट। ठीक है तो इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि केबल का सर्वाइबिलिटी पे थोड़ा इशू है, बट इसका मतलब ये नहीं कि केबल वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड क्लियर नहीं कर सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड 49 क्लियर किया हूँ एंड इससे पहले वाला वीडियो पे भी मैंने दिखाया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हो विथ स्ट्राइकर हमने क्लियर कर लिया, बट विथ स्ट्राइकर हमने किड केबल वाला यूनिफॉर्म पे भी टेस्ट किया था बट हमने नहीं क्लियर कर पाया। ठीक है किड केबल वाले यूनिफॉर्म के साथ भी स्ट्राइकर था बट हमने नहीं कर पाया क्लियर। तो इन दी एंड मैं बोलना चाहूंगा केबल का यूनिफॉर्म अच्छा यूनिफॉर्म है। यहाँ पे मैंने जस्ट चेक किया था कि केबल एटलीस्ट क्लियर कर पाता है कि नहीं, तो ओल्ड यूनिफॉर्म के साथ भी लेवल 80 के साथ केबल कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है मतलब वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड पे हार रहा। अभी मैं चाहूँ तो और 4-5 रन करके मैं एक वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पे केबल जीत गया, बट वो मुझे नहीं लगता कि सही होगा क्योंकि भाई 4-5 बार 6 बार खेलना मतलब आधा घंटा एक ही रन पे चला जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट अगर यूनिफॉर्म लेना है तो केबल का लेटेस्ट यूनिफॉर्म ले सकते हो एंड अगर कर सकते हो पॉसिबली तो टीयर 4 कर सकते हो, डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ सर्वाइवेबिलिटी का थोड़ा इशू है, वो थोड़ा संभल के देख के खेलना पड़ेगा, लाइक मैग्नेटो, मैग्नेटो का अभी सेम ही हालत है, सर्वाइवेबिलिटी का इशू है।
बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम आराम से खेल सकते हैं। एंड केवल फास्ट बाय भी है, एंड आप चाहो तो आराम से ले सकते हो। वही था वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।